पुरानी बातों को भूल जाओ, अजीत पवार के साथ रैली करो, बीजेपी नेताओं से फडणवीस की अपील। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। राकांपा प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि वे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ उनके मतभेदों को बुलाकर एक साथ रैली करें। फडणवीस ने पवार के गढ़ को हिलाने के लिए स्थानीय पार्टी नेताओं से यह अपील की है। पिछले 3 चुनाव में भाजपा शरद पवार के गढ़ बारामती को हिलाने में असफल रही है। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। इस बार यहां से खानदानी लड़ाई देखने को मिलेगी। दरअसल अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनडीए में शामिल होने वाले अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा बारामती लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का अपने पति की चचेरी बहन से मुकाबला करना लगभग तय है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी नेताओं से पुरानी दुश्मनी अजीत पवार के लिए चिंता का कारण बन गई है। शरद पवार के खिलाफ वर्चस्व साबित करने और पार्टी पकड़ बनाए रखने के लिए अजीत पवार इन दिनों बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। हालांकि उनके एनडीए सहयोगियों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। एनडीए साझेदारों ने सबसे पहले महादेव जानकर के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय समाज पक्ष RSP को गठबंधन में वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। वह शरद पवार के जरिए विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ रहे थे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अब फडणवीस अपनी पार्टी के नेताओं को अजीत पवार के साथ मतभेदों को दूर और एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। वे इस हफ्ते बारामती के इंदापुर में रैली करेंगे और पार्टी नेता हर्षवर्धन पाटिल को इसका प्रभारी बनाएंगे। पाटिल और उनकी बेटी ने इंदापुर में सहयोगी साझे द्वारा धमकी दिए जाने पर सार्वजनिक रूप से गुस्सा व्यक्त किया था। इससे पहले भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल को हस्तक्षेप करना पड़ा और बारामती शहर में पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी। बैठक में उन्होंने कहा था, हम शरद पवार की हार चाहते हैं। बारामती में शरद पवार की हार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के उम्मीदवार के लिए काम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर भाजपा और उसके नेताओं को 2 बार धोखा देने के लिए शरद पवार से बदला लेने के लिए कहा था। इस बीच एनडीए नेता शिवसेना के पूर्व विधायक विजय शिवतारे को मनाने में विफल रहे। पुरंदर से पूर्व शिवसेना विधायक शिवतारे ने घोषणा की है कि वे राकांपा संस्थापक शरद पवार के परिवार के गृह क्षेत्र बारामती से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ पार्टी की कार्यवाही के बावजूद मैंने बारामती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैंने पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे को अपनी राय से अवगत कराया है कि निर्वाचन क्षेत्र पर पवार परिवार, शरद पवार या अजीत पवार की पकड़ को समाप्त किया जाना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में पवार परिवार का आतंक है, लोगों को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।